मिडिल ईस्ट में इसराइल हमास की वजह से हालात पहले ही खराब थे, लेकिन अब सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले से हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले से ईरान के 7 बड़े अधिकारी मारे गए थे, जिसके बाद से ही इसराइल पर किसी बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इसराइल को आगाह कर दिया है। अमेरिकी खुफिया इंटेलिजेंस का कहना है कि इसराइल पर किसी भी वक्त एक बड़ा हमला हो सकता है। और इसी को देखते हुए पहले जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। ऐसा इसराइल पर किसी बड़े हमले के मद्देनजर किया गया है और अब रूस ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो मिडिल ईस्ट की तरफ यात्रा ना करें। इसको लेकर रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हम दृढ़तापूर्वक रूसी नागरिकों को सलाह देते हैं कि वो सिर्फ बेहद ही जरूरी मामलों को छोड़कर इस क्षेत्र में, विशेषकर इसराइल, लेबनान और फिलिस्तीनी इलाके में यात्रा करने से बचें। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलिस्तीन इसराइल संघर्ष के साथ साथ लेबनान और इसराइल के बीच ब्लू लाइन अस्थिर बनी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने एक बयान में कहा था कि इसराइल को सजा जरूर मिलनी चाहिए और उसके हमले के जवाब में उसे ये सजा मिलेगी। इससे पहले न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने भी एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर दी थी कि ईरान किसी प्रमुख मिसाइल या ड्रोन के जरिए इसराइल पर जल्द ही बड़ा हमला कर सकता है, या फिर वो हिजबुल्ला से इसराइल पर हमला करवा सकता है। यही वजह है कि अब रूस, जर्मनी और ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट के देशों को संयम बरतने की सलाह दी है। इसको लेकर जर्मनी की विदेश मंत्री एना लेना बेरबाक ने ईरानी विदेश मंत्री को ज्यादा से ज्यादा समय बरतने की सलाह दी है, जिससे इलाके में संघर्ष और ज्यादा ना बढ़े। वहीं इसराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को दो टूक कह दिया है कि वो सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले निंदा करे और हमले में शामिल लोगों को सजा दिलाए, तभी यह जवाबी हमला रुक सकता है। हालांकि ईरान ने अमेरिका को यह संकेत दिया है कि वो इसराइल पर इस तरह से हमला करेगा जिससे उसका इसराइल के साथ सीधा झगड़ा ना बढ़े, लेकिन इसराइल का कहना है कि अगर ईरानी धरती से इसराइल पर सीधा हमला होता है तो इसराइल भी ईरान पर सीधा हमला करेगा। ये बात इसराइल के विदेश मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड को बता दी है और इन पूरे हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का एक और ज्वालामुखी फटने वाला है।